धमतरी जिले में खून से लथपथ लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात युवक की लाश पुल के नीचे मिली है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर लाश को पुल के नीचे फेंका गया है। बिलासपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली क्षेत्र में 2 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल समर्पण कर दिया। दोनों पर 6-6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले 2 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल के सामने आत्मसमर्पण करने वाली 34 वर्षीय सुमन आर मतामी उर्फ माधुरी उर्फ भूरी 2002 में माओवादी समूह में भर्ती हुई थी। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिशन हॉस्पिटल के पीछे रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर जुआ खेल रहे 6 जुआनियों को सिविल लाइन पुलिस ने रेड की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से मोमबत्ती, प्लास्टिक बोरी व ताश पत्ती भी बरामद की गई है। रायपुर की पुरानी बस्ती पुलिस ने 19 साल के एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। युवक एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पकड़ा गया। यह मामला नाबालिग को घर से भगा ले जाने और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ा हुआ है। बलौदाबाजार जिले की पल्लारी थाना पुलिस ने ग्राम दतान से एक महिला को गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला किराना दुकान के आड़ में शराब का काला कारोबार चला रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम सीताबाई बताया जा रहा है। कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर तस्कर से 74 किलो 19 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लेकर आ रही पिकअप को नाकाबंदी कर पकड़ा है। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस ने चाटीडी सरकंडा के ईरानी चौक में तलवार लहराकर आम लोगों को भयभीत कर रहे युवक अशरफ अली उर्फ बाबू खान को धारदार तलवार सहित गिरफ्तार किया है। बालोद जिले के गुंडरदेही नगर में बंद के दौरान व्यापारियों के साथ डंडे से मारपीट करने वाले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 9 लोगों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पर बलवा हत्या का प्रयास जैसे गंभीर धाराओं के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। रायपुर के आजाद चौक थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दुकान में दबिश दी है। इस दौरान दुकान में रखे यूनाइटेड ओवरसीज ट्रेडमार्क कंपनी के नकली उत्पाद के नाइकी कंपनी के 70 जोड़े जूते बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1,75,000 रुपए आकी गई है। साथ ही 50 पैकेजिंग कार्टून नाइकी कंपनी का जब्त किया गया है। कोरबा जिले की हरदी बाजार चौकी पुलिस ने नाबालिग पीड़िता को भगाकर शादी करने का झांसा देकर रायपुर दुष्कर्म करने के बाद से फरार आरोपी जितेन जगत को रिपोर्ट दर्ज होने के 6 माह बाद मुखबिर की सूचना पर रायपुर से गिरफ्तार किया है। जांजगीर जिले के चांपा तहसील में पर्ची बनाने के नाम पर महिला तहसीलदार चंद्रशीला जायसवाल की तहसील पहुंची महिला सुकुता बाई ने पिटाई कर दी। महिला तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने अपराध कायम कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा नगर पंचायत के कर्मचारी बुधवार को भाजपा के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल के जन्मदिन की बधाई में नगर में बैनर पोस्टर लगा रहे थे। इसे लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद कर्मचारी बैनर पोस्टर छोड़कर चले गए। छावनी थाना क्षेत्र में देर रात कुछ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 6-7 गाड़ियों को अपना निशाना बनाया।
उन्होंने सभी गाड़ियों के कांच डंडे से चकनाचूर कर दिए। सुबह जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो सभी छावनी थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र के ग्राम बेलमुंडी में गुरुवार को 3 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन एक्सीडेंट होने से गांव वालों ने लूट मचा दी। ग्रामीण पुलिस की मौजूदगी में भी ट्रक से फूटे चने की बोरी लूटकर ले जाते रहे। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में बेलगहना चौकी पुलिस ने निवासी युवती कुमारी शांति उके और उसकी सहेली ममता से नौकरी लगाने के नाम पर 1,80,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी करने वाली आरोपी राहुल मरावी उर्फ नेवल दास को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना क्षेत्र के पेंड्री स्थित ट्रांसपोर्ट नगर की झाड़ियों में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़कर उनके पास से 1,83,000 रुपए जब्त किए गए हैं। रायगढ़ कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे युवक राजा उर्फ विजय शंकर सारथी को पकड़कर उसके पास से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ के तमनार थाना क्षेत्र के गांव द्रांदी में मिली महिला की जली हुई लाश के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका आशा उराव अपने पति को छोड़कर गांव के छोटे लाल उराव के साथ रहने लगी थी, जिससे घर में तनाव बना रहता था। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी परेश पचोरी राम बिहारी व पीड़ित की सास को महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल के हवाले कर दिया गया। रायगढ़ जिले की मिरौनी बैराज में मछली पकड़ने गए 3 लोगों की डोंगी अचानक आए आंधी तूफान में पलट गई, जिससे तीनों पानी में गिर गए। पानी का बहाव तेज होने से तीनों जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र स्थित SECL आवासीय परिसर के फिल्टर हाउस के कर्मियों को बंधक बनाकर फिल्टर प्लांट से पाइप, तांबा, वायर सहित अन्य सामान की चोरी करने के मामले में 4 आरोपियों को कुसमुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। कवर्धा जिले की रियासत की राजमाता के भांजे की हत्या की जांच करने के लिए गुरुवार को कवर्धा में दिल्ली से CBI की टीम पहुंची। जांच टीम में 10 से अधिक सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल के नमूने लिए हैं। CBI के SP के नेतृत्व में जांच के लिए टीम पहुंची। बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 7 के शांति विहार कॉलोनी में डिस संचालक आशुतोष तिवारी के खिलाफ स्टार इंडिया के चैनल स्टार स्पोर्ट्स को अवैध रूप से चैनल की कॉपीराइट कर संचालित किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डिस संचालक के निवास से कॉपीराइट करने के इंस्ट्रूमेंट भी बेमेतरा पुलिस ने जब्त किए हैं। कांकेर जिले के कोलीबेड़ा ब्लॉक में विद्युत मीटर लगाने का टेंडर दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लगभग 4,00,000 रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 वर्ष पूर्व मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। जांजगीर जिले के जैजपुर थाना क्षेत्र के सबरिया डेरा तुसार निवासी छोटे लाल आंगन में सो रहा था। इस दौरान जमीन विवाद व चावल के नकदी लेन देन के विवाद से नाराज उसके बड़े भाई नंद कुमार ने फरसे से अपने छोटे भाई छोटे लाल की गर्दन पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।
तिस्टा इंफ्राक्रोम इंडिया लिमिटेड के चिटफंड कंपनी के 7 सालों से फरार दो डायरेक्टर को जांजगीर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर जिले की अकलतरा थाना क्षेत्र में घर की सुरक्षा के लिए कांटा तार लगाने की बात को लेकर पीपर सत्ती की महिला के पड़ोसी से विवाद हो गया। इसके बाद से लेकर पड़ोसियों ने उसके साथ मारपीट की, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर जिले की शक्ति थाना पुलिस ने युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के बाद फरार आरोपी योगेश कुमार 5 साल बाद सारागांव थाना क्षेत्र के सोनिया पार्ट में रिश्तेदार के यहां पहुंचा था। इसकी भनक पुलिस को मिलने पर पुलिस उसे ढूंढते हुए गांव पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चापा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में 1.5 साल की बच्ची से पड़ोस में रहने वाले उसके दादा ने दुष्कर्म किया। आरोपी 58 साल का वृद्ध बच्ची को घुमाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में जरा से विवाद में एक युवक ने अपने ही भांजे की गला काटकर हत्या कर दी। अपनी मां से विवाद करता देख भांजा बीच बचाव कर रहा था, इससे गुस्सा होकर मामा ने चाकू से वार कर दिया। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उपचार के दौरान भांजे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले की महानदी से रेत का अवैध खनन के कारण अब लोगों की जान जा रही है। एक माह पहले जहां रेत लोड ट्रैक्टर चालक ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया था, वहीं देर रात रेत लोड एक ट्रैक्टर ट्राली के अनियंत्रित होकर खेत में जाकर पलट जाने से उसके चालक की मौत हो गई है। रायपुर आरटीओ द्वारा सड़कों पर बिना परमिट दौड़ रही 30 बसों को जब्त किया गया है। यह वाहन बिना टैक्स परमिट फिटनेस कराए बगैर पिछले काफी समय से यात्रियों का परिवहन कर रहे थे। इनकी जांच करने के लिए 17 से 25 मई के बीच अभियान चलाया गया था।